वैसे वैसे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैसा मनोज तिवारी जी ने कहा, एक नया रिकॉर्ड तो बनेगा ही, लेकिन मैं मानता हूँ पूरे दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर शानदार विजय हासिल करने जा रही है। और अब तक जो दो चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं उनसे स्थिति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया था और 400 पार के लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे। और इस चुनाव में एक बात और हो रही है, अपने पूज्य महात्मा गांधी का यह सपना था कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका मस्तक ऊंचा हो, तो एक नई सोच के साथ, एक नए उमंग के साथ नए भारत का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही बापू जी की एक पंथासी आज़ादी हासिल होने के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी या बापू जी की बात नहीं मानी। मुझे लगता है कि जनता ने अब ठान लिया है इस बार कि बापू जी का जो संकल्प था उस समय आज़ादी हासिल होने के बाद कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, तो कांग्रेस ने नहीं भंग किया तब उसको पूरी तरह से भारत की राजनीति से यहाँ की जनता ही समाप्त करेगी। मैं देश की जनता को गुमराह करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर रोजगार देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं।